नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज चौक गोलंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। जी हां, मौके पर मौजूद यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी कुमार ने कहा है कि बिहार में कल ऐसी घटना घटी है जिससे बिहार की मान सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुँची है। जी हाँ, बिहार में यह पहली घटना है। लोकतंत्र में विरोध चलता ही रहता है, मगर बिहार की सरकार लोकतंत्र में अब लाठी की सरकार बन गई है और अपने लिए रोजगार, महंगाई, भूखमरी के सवाल पर जब आंदोलन किया जाता है तो आम जनता को सिर्फ और सिर्फ लाठी गोली से स्वागत किया जाता है। जी हाँ, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कल एक फिर से काला बिल आया है जिसमें आम नागरिक को अब पुलिस के द्वारा बेवजह परेशान किया जाएगा। सरकार पुलिस बिल लाकर पुलिस को अपने गुंडे के रूप में उपयोग करेगी और ये सरकार भी अपने सरदार मोदी जी की तरह सभी फैसले और सभी काला बिल रात के अंधेरे में और चोर दरवाजा से हर काम करती है। जी हां, आज ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के साथ ही इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार के मुखिया सुशासन बाबू का पुतला दहन किया गया है और अगर ये काला कानून वापस नहीं करती है तो आगे चलकर आईएसयू चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। जी हां, पुतला दहन कार्यक्रम में यूनियन के दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे। गोली बरसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार तेरी दाना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं ने फूंका बिहार के सुशासन बाबू का पुतला। लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। कल बिहार में दो ऐसी घटना घटी है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में बिहार की जो एक छवि है उसको बदनाम करने का काम किया है। पहले सरकार ने निहत्थे लोगों पे लाठी चार्ज करवाने का काम किया, वाटर कैनन से पानी मारने का काम किया, जो लोकतंत्र में लोगों का एक मुख्य उद्देश्य होता है विरोध करना। वहाँ उन्होंने बेरहमी से हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं उन लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद चोर दरवाजे के साथ जो बनी सरकार है वो रात के अंधेरे में ही हर काम करते हैं। जैसे इनके सरदार मोदी जी रात के अंधेरे में हर फैसला लेते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी रात के अंधेरे में हर फैसला लेते हैं। कल एक विधेयक पास किया गया है, पुलिस बिल, जिसमें यह प्रावधान है कि पुलिस आपको बिना किसी नोटिस का आपको घर से उठाकर ले जा सकती है, कोर्ट में आपको पेश नहीं कर सकती है। यह एक बहुत ही खतरनाक बिल है जिसके विरोध में आज मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया है। अगर अविलंब इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के साथ ही उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएगी और सड़क से लेकर सदन तक एक पुरजोर विरोध करेगी जब तक बिल वापस नहीं हो जाता है।